हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ में कुछ बहुत ही आसान से टिप्स, जिनको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके बेबी को कभी भी कॉलिक की इश्यूज नहीं होंगे। पर अगर ऑलरेडी कॉलिक की प्रॉब्लम्स हो चुकी है तो उसको जड़ से तो हटा पाना थोड़ा सा मुश्किल है, पर डेफिनेटली इन टिप्स को फॉलो करेंगे आप तो उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपका बेबी उल्टी कर देता है दूध पीने के बाद में, या फिर दूध पिलाते ही निकाल देता है, तो ये सब प्रॉब्लम अगर आपके बेबी के साथ में हो रहे ना, तो ये टिप्स फॉलो करिए, आपको डेफिनेटली इससे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन है कि जो लोग अपने बेबीज को सिर्फ देते हैं फॉर्मूला मिल्क, उन्हीं के बच्चों को गैस की प्रॉब्लम होती है या कॉलिक इश्यूज होते हैं, और जो लोग ब्रेस्ट मिल्क देते हैं उनको नहीं होती है। ऐसा नहीं है, ये एक्चुअली एक मिथ है। डेफिनेटली जो ब्रेस्ट मिल्क देते हैं उनको थोड़ी सी इंटेंसिटी कम होगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि होगी ही नहीं। तो बिल्कुल अपने आप को ब्लेम मत करिए अगर आप फॉर्मूला देते हो और लोग आपको बोल रहे हैं कि उस वजह से आपके बेबी को प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है, दोनों केसेस में हो सकती है, क्योंकि दूध पीने के बाद में ना गैस बनना बहुत ही स्वाभाविक है बच्चों में, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती है तो उनका गैस जो है फंस जाता है और इसीलिए पेट में मरोड़ होती है। बेसिकली कॉलिक क्या है, एक टाइप का मरोड़ है, पेन होता है उनको, राइट। और रिफ्लक्स के तौर पे वो लोग बाहर भी निकाल देते हैं दूध, तो इसलिए अपने आप को ब्लेम बिल्कुल मत करिए। जिस तरीके से भी आप बच्चे को फीड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट ये है कि आपका बच्चा हेल्दी हो और ग्रो करे, चाहे आप फॉर्मूला पे कर रहे हो चाहे आप ब्रेस्ट मिल्क पे कर रहे हो। पहला जो स्टेप आपको फॉलो करना है जिससे कि बेबी को कॉलिक इश्यूज भी ना आए और गैस की प्रॉब्लम ना आए, पेट में दर्द ना हो, वो उल्टी ना करे, वो बहुत ही आसान स्टेप है, वो है बेबी को बर्प करवाना। अब ये तो आपने सुना ही होगा कि बर्पिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आप सोच रहे होंगे कि बर्प तो मैं भी करवाती हूं, फिर दिक्कत क्या आती है। तो दिक्कत ये आती है कि कई बार हम क्या करते हैं कि मिल्क पिला दिया बच्चे को, उसके बाद एक बार ही उसको बर्प करवा दिया और फिर डायरेक्टली लिटा दिया। ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। हम लोग नीव के साथ क्या करते हैं, चाहे वो ब्रेस्ट मिल्क डायरेक्टली ब्रेस्ट से पी रहा हो या बॉटल से पी रहा हो, दोनों केसेस में हर 5 से 6 मिनट के बाद हम उसको बर्प करवाते हैं। लाइक, अगर वो बॉटल से फीड कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो 90 ml फीड कर रहा है, तो जैसे ही उसका 40 ml कंजप्शन हो जाता है उसके बाद हम उसे एक बार बर्प करवाते हैं, बाकी का रेस्ट हम उसको फिर पिलाते हैं। तो मतलब आपको बीच में एक बार ही बर्प जरूर कराना है, पूरा फीडिंग नहीं करवा देना। स्टार्टिंग में बच्चे इरिटेट होंगे, उनको भूख लगी होती है और आप बीच में उठाते हो, बर्प कराते हो, पर कोई बात नहीं है, ये उनके भलाई के लिए है। तो आपको बीच में भी बर्प करवाना है, सीधा एंड में बर्प नहीं करवाना। बीच में बर्प करवाने के बाद में फिर से आप कंटिन्यू करिए उसका फीडिंग सेशन। जब पूरा फीडिंग सेशन खत्म हो जाएगा फिर आपको एक बार बर्प करवाना है। उस एक बार बर्प करवाने के बाद भी डायरेक्टली आपको उसको लिटा नहीं देना है, आपको उसको मिनिमम 20 मिनट्स के लिए सीधा रखना है। तो मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, वो उसको अपने कंधे पे ले लेते हैं एंड कांस्टेंट उसको लेकर के या तो चलते रहते हैं या फिर बैठे रहते हैं, पर उसको लिटाना नहीं है। आप जैसे उसको नीचे लिटाओगे उसको गैस की प्रॉब्लम जरूर होगी, कई बार आप देखोगे कि उसने दूध जो है वो बाहर निकाल भी दिया है। तो आपको लिटाना नहीं है, आपको उसको थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट 20 मिनट के लिए ट्राई करिए कि आपको सीधा रखना है। आप देखोगे कि उसके 2-3 बार उसको बर्प उस टाइम पे आता रहेगा, तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप उसको लेकर चल नहीं सकते हैं या फिर उस तरीके से बार बार बैठ नहीं सकते हैं, तो एटलीस्ट आप क्या करिए, घुटनों को ऊपर रख दीजिए, जैसा कि यहां पे मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, और बेबी को उसके ऊपर रख दीजिए। इस पोजीशन पे रहने से भी 15-20 मिनट आप देखोगे कि उसका हल्का पेट दबेगा और गैस निकलेगा। तो अब तो खैर मेरा बच्चा जो है थोड़ा सा बड़ा हो गया है तो वो उठने की ट्राई करता है, पर जब वो छोटा था तो डेफिनेटली उठने की ट्राई नहीं करता था और उसी पोजिशन में 20-25 मिनट जो है वो आराम से रहता था। तो इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाह रही हूं आपको कि मिल्क पिलाने के बाद एक बर्प करवाते ही उसको आपको नीचे नहीं लिटाना है, आपको उसको थोड़े देर के लिए इस तरीके से रखना है वर्टिकल पोजीशन पे, ताकि वो 2-3 बार और बर्प करे और अच्छे से जो मिल्क है ना वो डाइजेस्ट हो जाए। नेक्स्ट जो स्टेप आप फॉलो कर सकते हैं वो है इंक्लाइंड पिलो। तो अगर आपका बच्चा अभी 1 से 3 महीने के बीच का है और आप उसको बहुत देर तक इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन पे नहीं रख सकते हैं, लाइक आपके हाथों में दर्द हो जाता है या कोई और हेल्प नहीं है आपके घर पे जो उसको ऐसे रख सके, इस केस में अगर आप उसको लिटाना भी चाहती हैं तो डायरेक्टली उसको बेड पे सोफा पे मत लिटाइए, उसको एक आप इस तरीके के इंक्लाइंड पिलो पे लिटाइए। ये जो इंक्लाइंड पिलो है मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप ये अमेजोन से परचेस कर सकते हैं। तो आप देख रहे हो ये हल्का सा स्लैंटिंग पिलो है, तो इस पे भी अगर आप बेबी को रखते हो ना तो जो मिल्क है वो उससे बाहर नहीं आएगा मुंह से और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहां पे ट्राई करिए एटलीस्ट कि 15-20 मिनट के लिए वो इस पे लेटा रहे।
नाउ बर्फ कराने का तरीका क्या है वो भी मैटर करता है कि बच्चा आपका बर्फ कर रहा है कि नहीं। तो बहुत सारे तरीके से आप बच्चे को बर्फ करा सकते हैं। जब बच्चा आपका बहुत छोटा है तो आप लाइक 2 महीने से छोटा का है तो आप उसको रख सकते हो अपने लैप पे और एक हाथ से उसके आगे के नेक को सपोर्ट दीजिए और दूसरे हाथ से पीछे में उसको आप अगर थपथपाएंगे तो भी वो बर्फ करेगा। या थोड़ा बड़ा हो गया है तो आप क्या कर सकते हो कि उसको आपने कंधे पे रख लिया, उसके बाद 3 बारी आपको नीचे से ऊपर तक में थपथपाना है, उससे भी आप देखोगे कि बच्चा आपका बर्फ करेगा। या फिर आप ये कर सकते हो नीचे से ऊपर की तरफ में हाथों को सहलाना बच्चे को। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, नीचे के गैस को ऊपर ला रहे हैं ताकि वो अपने मुंह से उसको बर्फ के तौर पे बाहर निकाल दे। तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ में हाथों को सहलाते जाना है पीठ पे। तीसरा तरीका है कि गोल गोल आपको अपने बच्चे के पीठ पे हाथ को फिराना है। इससे भी क्या होगा, जो गैस है वो रोटेट होगा और धीरे धीरे जो है वो ऊपर की तरफ आएगा। तो बेसिकली आपको ये टेस्ट करके देखना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे या किस तरीके से आपका बच्चा जो है वो सही तरीके से बर्फ ले रहा है। पर आपको ये टायरिंग लगेगा थोड़ा सा डेफिनेटली, पर चाहे कुछ भी हो जाए बिना बर्फ कराए उस बच्चे को आप मत लिटाइए जिसको आप देख रहे हो कि उल्टी की प्रॉब्लम हो रही है या फिर उसको कॉलिक की प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम है। वैसे हर बच्चे नहीं है जिनको एक्चुअली बर्फ की जरूरत होती है। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स बर्फ ना भी कराए तो भी वो मजे में रहते हैं। पर अगर आपने वीडियो क्लिक किया है तो मतलब डेफिनेटली आपके बच्चे को गैस की प्रॉब्लम है, कॉलिक की प्रॉब्लम है, तो फिर आप किसी भी केस में उसको नीचे मत लिटाइए, उसको बर्फ कराने के लिए यानी कि डकार लेने के लिए आपको हेल्प करनी ही है। नेक्स्ट बात करते हैं मसाज के बारे में। मसाज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए, स्पेशली गैस को रिलीज करने के लिए। तो चाहे आप खुद मसाज कर रहे हो या फिर किसी से करवा रहे हो, दोनों केस में आपको बच्चे के ना मसाज अच्छे से पेट की करनी है। उससे आप देखोगे बच्चा बहुत सारा बर्फ लेता है। तो मैंने तो मसाज के लिए एक आंटी को रखा है, मैंने आपसे शेयर किया, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि वीडियो में थोड़ा सा दिखाए कि क्या क्या स्टेप्स वो फॉलो करते हैं जिससे कि बच्चे का गैस अच्छे से निकलता है। तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है। वैसे मैंने नीव को अभी कपड़े पहना दिए, आप देख रहे होगे, पर वैसे ऐसे मसाज नहीं होता है। ऑफकोर्स कपड़े निकाल के अच्छे से बेबी का मसाज किया जाता है। तो देखिए इस तरीके से पैर को फोल्ड कर रही है, वो फोल्ड करके नीव के पेट तक ले जा रही है और जोर से एक बार प्रेस करती है। इस तरीके से वो 7-8 बार करती है। ये प्रेस करने से डोंट वरी बच्चे को कोई दर्द नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होती, इनफैक्ट उनका गैस रिलीज होता है। तो इस तरीके से अगर आप मसाज करोगे, बार बार पैर को ऊपर की तरफ करके पेट में हल्का सा प्रेशर दोगे तो ये बहुत ही अच्छा रहता है। उसके बाद अलग अलग तरीके से आप देख रहे हो हाथ को पैर को वो एक एक बार साथ में जोड़ करके मसाज करवा रही है, इससे भी उसका बर्फ निकलता है, काफी आराम लगता है। धीरे धीरे पेट के ऊपर मसाज करती हैं ऑयल से, वो राउंड सर्कुलर मोशन में, इससे भी गैस रिलीज होता है और जो अगर पेट में दर्द हो बच्चे को तो अच्छा लगता है। तो बेसिकली आप खुद से कर रहे हो अगर तो ये सब स्टेप्स फॉलो करिए, बच्चे के पेट पे मसाज करिए, इस तरीके से पैरों से मसाज करिए, गैस भी रिलीज होगा और उनको बहुत ही अच्छा लगेगा। नेक्स्ट कुछ एक्टिविटीज आप कर सकते हैं बच्चे के साथ में जिससे कि बेसिकली थोड़ा सा ना वो हाथ पैर मारे। तो जितना वो हाथ पैर मारेगा ना उतने अच्छे से उसका गैस निकलेगा। तो ना हमेशा बच्चे को गोद में लेकर के मत रहिए। अगर आप बच्चे को गोद में लेकर बैठेंगे तो वो हाथ पैर नहीं मारेगा और ऐसे में उसका गैस जो है वो फंसा रहेगा और उसको पेट में दर्द होगा या फिर उल्टी हो सकती है। तो हो सके जितना बच्चे को खुला छोड़िए, बेड पे रखिए या फिर जमीन पे कुछ बिछा करके रखिए, क्योंकि जितना वो हाथ पैर मारेंगे उतने अच्छे से उनका एक्सरसाइज होगा, उतने अच्छे से उनका जो गैस है वो रिलीज होगा। अब आप खुद ही सोचिए अगर आपको खाना खिला दिया जाए और बेड पे लिटा दिया जाए बिल्कुल स्ट्रेट, तो क्या आपको गैस नहीं होगा? तो सेम गोज विद बेबी। तो बहुत जरूरी है कि वो हाथ पैर मारे, थोड़ा वो रोएंगे, क्रैंकी होंगे, चाहेंगे कि आप उनको गोदी में ले लो, पर आप ऐसा मत करिएगा। उसको बहुत टाइम दीजिए ताकि वो आराम से लेटे और खेल सके। इसके अलावा आप थोड़ा बहुत और भी चीजें कर सकते हैं, जैसे कि मेरे हस्बैंड यहां पे कर रहे हैं तो उसके पैर को पुश करते हैं और पीछे की तरफ वो जाता है, रेंगता है, ऐसे उसको मजा भी आता है और उसका एक्सरसाइज भी हो जाता है। तो ट्राई करके देखिए कि क्या आपका बेबी ऐसा कुछ गेम खेलना पसंद करता है, क्योंकि बेबीज के लिए ये गेम है पर ऑल्सो एक टाइप का एक्सरसाइज हो रहा है जिससे कि उसको गैस रिलीज होने में हेल्प हो जाती है। इसके अलावा दिन में 4-5 बार आपको जब भी लगे कि बेबी को हल्का सा गैस हो रहा है या फिर वो अनकंफर्टेबल है या क्रैंकी हो रहा है, तो आप पेट पे इस तरीके से जैसे मसाज आंटी मसाज कर रही थी बिना ऑयल के, बस ऐसे ही पैरों को फोल्ड करके पेट की तरफ में आप करिए, इससे बहुत ही अच्छा रहेगा। इनफैक्ट दिन में 4-5 बार आप ये करिए, कोई हार्म नहीं है ये करने में, एंड गैस रिलीज करने में ये बहुत मदद करेगा। उसके अलावा आप धीरे धीरे अपने हाथों से ना सर्कुलर मोशन पे उसके पेट पे भी सहला सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज 5-5 बार ऐसा करिए, ये भी उसको बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। तो इस तरीके से बेसिकली पेट में गैस उसका जो है वो थोड़ा सा मूवमेंट आए, बर्फ आए, उसके लिए आप ये सब ट्राई कर सकते हैं।
नाउ बात करते हैं बॉटल फीडिंग की। चाहे आप फॉर्मूला फीड कर रहे हो, चाहे आप ब्रेस्ट मिल्क फीड कर रहे हो, जो बॉटल आप परचेस कर रहे हैं मेक श्योर करिए उसमें एंटी कॉलिक वैल्व होना चाहिए। तो मैं आपको लिंक दे दूंगी उस बॉटल का जो मैं नीफो यूज करती हूँ। एंटी कॉलिक वैल्व का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आपको मेक श्योर करना है कि ये जो होल है ये ऊपर की तरफ हो और मिल्क इसके नीचे की तरफ हो। इससे क्या होगा, जो भी एयर पास हो रहा होगा ना निप्पल्स के थ्रू, वो मिल्क के थ्रू पास ना होकर के सीधा ऊपर से पास होगा और मिल्क में बबल नहीं बनेंगे। अगर मिल्क में बबल बन गया मतलब आप अपने बच्चे को एयर पिला रहे हैं साथ में, और अगर आप उसको एयर पिलाएंगे मिल्क के साथ में तो डेफिनेटली उसको कॉलिक की इश्यूज आएंगी। तो कॉलिक इश्यूज होने का मेन कारण यही है कि बच्चे के पेट में जो है हवा बहुत जा रही है। तो इसलिए आपको एंटी कॉलिक बॉटल लेना है और मेक श्योर करना है उसका जो वैल्व है वो ऊपर की तरफ हो, ताकि हवा जो है ऊपर रहे बॉटल के दूध में मिक्स होकर के उसके मुंह में ना जाए। आपको एक बात और मेक श्योर करनी है कि हमेशा निप्पल में मिल्क होना चाहिए, मतलब किसी भी मोमेंट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने हवा कर ली। तो जब आपको लगे मिल्क धीरे धीरे बॉटल में कम होता जा रहा है तो आपको बॉटल को और भी ज्यादा टिल्ट करते रहना पड़ेगा, ताकि हमेशा निप्पल में मिल्क भरा होना चाहिए। ये सब अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे ना तो बच्चे को कॉलिक की प्रॉब्लम बढ़ेगी नहीं, अगर हुई नहीं है तो कभी होगी भी नहीं, और अगर उनको गैस हो रहा है या फिर उल्टी हो रही है तो वो भी ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। आप देखो तो ये जो कॉलिक की प्रॉब्लम है ना ये 3 हफ्ते बाद होती है बेबीज को, मोस्ट केसेस में 3 हफ्ते बाद होती है और 4 महीने होते होते वो कम होने लग जाती है। तो कॉलिक के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं वैसे तो डॉक्टर आपको अवेयर कर ही देंगे, पर मोस्ट केसेस में कॉलिकी बेबीज जो होते हैं ना वो शाम को मिडनाइट को बहुत रोते हैं। क्यों रो रहे हैं आपको रीजन समझ नहीं आएगा, लगातार रोते रहेंगे और आप कुछ भी कर लो वो शांत नहीं होते। अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा बिल्कुल अपना हाथ को ऐसे दबा दे रहा है, मुंह उसका लाल हो जा रहा है, आप समझ जाइए कि बच्चा आपका जो है वो कॉलिक के इश्यू से परेशान है या उसको सीवियर गैस बन चुका है, तो आपको इमीडिएटली कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि उसका गैस जो है निकल जाए। पर अगर बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम हो रही है और कुछ आपको समझ नहीं आ रहा तो फिर आपको थोड़ा सा मेडिकेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। अब देखिए मैं कोई डॉक्टर तो हूं नहीं कि मैं आपको सलाह दूं, तो इसलिए हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ करके ही बच्चों को कोई भी दवाई दीजिए। पर फिर भी मैं यहां पे आपको 2 ऐसी दवाइयां रिकमेंड करूंगी जिसका कोई भी वैसे प्रॉब्लम नहीं है अगर आप यूज करते हो, पर फिर भी प्लीज डॉक्टर से सलाह कर लीजिएगा। एक दवाई आती है आपने देखा होगा रोल ऑन करके, बहुत सारे ब्रांड्स बनाते हैं, वो आप ब्रांड तो कोई भी ले लीजिए, वो आपको बच्चे के टमी पे लगाना है। तो जहां पे उसकी नाभि है उसके चारों तरफ सर्कुलर मोशन पे आप उस रोलर को घुमा दीजिए, उसके बाद इस वाली उंगली से उसे मसाज करिए क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, तो आप देखोगे बच्चे का गैस रिलीज होगा। तो इस तरीके से आप कोई भी रोल ऑन ले सकते हैं, बहुत हेल्प करता है। अगर कहानी इससे भी आगे बढ़ गई है, बच्चा बिल्कुल नहीं शांत हो रहा, बहुत रो रहा है, मतलब पेट में उसके दर्द हो रहा है, ऐसे केस में कॉलिक एड करके एक दवाई आती है, ड्रॉप्स होता है, आप वो बच्चे को दे सकते 0.5 ml दिया जाता है। बस फिर भी अगेन ये आप डॉक्टर से पूछ के ही दवाई दीजिएगा। तो कॉलिकेट देने से क्या होगा, आप देखोगे थोड़ी देर में बच्चे का गैस निकल गया, वो शांत हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ दवाइयां हैं तो लेकर के रख लीजिए, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो ये दवाइयां आप दे सकते हैं बच्चे को। तो बेसिकली आपको ये सब देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं अगर आप मैनेजमेंट बच्चे की अच्छे से करें फीडिंग की, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अच्छे से उसको पिलाइए, मिड में भी उठ करके बर्प कराइए, बाद में बर्प कराइए, उसको लिटाइए मत 20-25 मिनट के लिए, उसको क्लाइंट रखिए कंधे पे तकिया पे ताकि उसका जो अच्छे से है डाइजेशन प्रोसेस हो जाए, मसाज करिए, थोड़ी बहुत ऐसी एक्टिविटीज करिए जिससे कि बच्चा जो है खुद हाथ पैर मारे और गैस निकाले। सबसे अच्छा तरीका होता है अगर आप अपने बच्चे को टमी टाइम देते हैं, तो बहुत सारी मदर्स ये बोलती है मुझे कि टमी टाइम दे रही हूं तो बच्चा बहुत क्रैंकी हो रहा है, रो रहा है। देखिए वो रोएगा ही, वो बच्चा है, उसको डिस्कम्फर्ट नहीं पसंद है, वो चाहेगा हमेशा एक कंफर्टेबल पोजिशन पे ही रहे, पर बींग अ मदर आपको पता है कि उसके लिए क्या अच्छा है। तो टमी टाइम देना बहुत जरूरी है, जितना टमी टाइम दोगे पेट के बल वो रहेगा, उतना उसका अच्छे से डाइजेस्ट भी होगा मिल्क और गैस भी रिलीज होगा। पर टमी टाइम आपको खाना खाने के जस्ट बाद, मतलब मिल्क पीने के जस्ट बाद नहीं देना है, मिनिमम आपको 1 घंटा वेट करना है, उसके बाद ही टमी टाइम देना है। और टमी टाइम एज के हिसाब से आप इंक्रीज कर सकते हो, लाइक पहले अगर आपने 4-5 मिनट दिया, फिर 5-10 मिनट दिया, 15 मिनट दिया, वैसे बढ़ा सकते हो। कुछ ऐसी एक्टिविटीज करिए जिससे कि बच्चा जो है वो इन्वॉल्व हो जाए टमी टाइम पे, लाइक कोई आप फ्लैश कार्ड रख दो सामने, कोई टॉय रख दो सामने, कुछ ऐसा करो जिससे कि उसका ध्यान जो है सामने की तरफ हो और वो अपना नेक उठाए। दिन में एटलीस्ट ट्राई करिए आप 1 या 2 बार टमी टाइम उसको जरूर दे, इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाता है। चलिए इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो यहीं तक रखती हूँ, आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा है। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको मेरे व्लॉग्स देखना अच्छा लगता है तो मेरे व्लॉग जरूर चेकआउट करिएगा। चलिए मैं मिलती हूँ आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हमारे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।